सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा को संबोधित किया और सपा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी पीलीभीत में चुनावी रैली की और योगी सरकार पर तंज कसा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत सभी पार्टियां अपना प्रचार करने में जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले की सपा सरकार ने दर्जनों आतंकियों की पैरवी की थी और भाजपा की सरकार में राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के राज में अन्नदाता आत्महत्या से मरते थे, गरीब भूख से मरते थे और जंगल राज था। अपराधियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और हिस्ट्री शीटों द्वारा पुलिस स्टेशन चलाए जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में व्यापारियों को बर्बाद कर दिया था और युवा बेरोजगार थे। पिछली सरकारों में भाइयों बहनों अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी, अपराधी सत्ता पर हावी होकर के थानों का संचालन हिस्ट्री शिकार करते थे, व्यापारी तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, चारों ओर अराजकता का वातावरण 2017 के पहले था। अपने संबोधन में सीएम योगी ने आगे कहा कि अहमदाबाद की एक अदालत ने 2008 के सिलसिलेवार विस्फोट मामले में 38 आतंकवादियों को सजा सुनाई है, फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें यूपी के कुछ आतंकवादी भी शामिल थे और उनमें से एक का परिवार सपा प्रमुख के साथ सपा के लिए वोट मांगता देखा गया। सपा पर चुटकी लेते हुए योगी ने कहा कि नई हवा है वही एसपी है, एसपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है वही सपा है, सपा का हाथ साथ यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। तो वहीं तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग से पहले पीलीभीत पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं, तीसरे और चौथे चरण में भी हम इसे दोहराएंगे और 100 सीटें लेंगे, चौथे चरण तक बहुमत मिल जाएगा। अखिलेश ने इस दौरान योगी पर काका तंज कसा। वापस हुए 3 कृषि कानून को अखिलेश यादव ने काका मतलब काला कानून बताया। पीलीभीत में अपने संबोधन में अखिलेश ने कहा कि काका गए तो अब बाबा भी जाएंगे। नौजवान और किसान इस बार भाजपा की भाव निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव सूबे का भविष्य तय करेगा।
भाजपा की रीतियों और नीतियों पर बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसे। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहाँ की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी और हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के, तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून, काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। सभी पार्टियां चुनावी रैली कर रही हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, अपनी उपलब्धियां तो दूसरे की कमियां गिनवा रही हैं। पर ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे कि इस बार चुनाव में किसकी जीत का परचम लहराएगा। हमारे खास खबर में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।